हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपका पीएम किसान में एफडीओ प्रोसेस्ड नो लिखा हुआ आ रहा है तो आपको पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अगर आपको एफडीओ प्रोसेस्ड नो लिखा हुआ आ रहा है तो आप इसे यस कैसे करा सकते हैं, कैसे आप फंड ट्रांसफर ऑर्डर जो है उसे यस करा सकते हैं, जिसके बाद आपका पैसा 2000 रुपए का किस्त आपको मिल जाएगा। अगर आपका भी यही प्रॉब्लम है दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं और मेरे जो नोटिफिकेशन आते हैं वीडियोज के वो आप तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे कि आप लोगों को बहुत कुछ मालूम नहीं पड़ पाता है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं जिन लोगों का एफडीओ प्रोसेस्ड नो है उनको पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को कुछ स्टेटस में आप लोगों को जो चेक करने का तरीका बताने वाला हूं उसको चेक करना होगा। उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको मिलने वाला है जिसको कि आपको सुधार कराना होगा। एफडीओ प्रोसेस्ड मतलब होता है दोस्तों कि फंड ट्रांसफर का जो ऑर्डर है ना वो पास हो जाता है, जिसके बाद ही केंद्र सरकार आपको पैसा भेजती है। पहले तो आरएफडी साइन होगा, ठीक है, वो आप लोगों को हो जाने के बाद वहां पे आ जाता है एफडीओ प्रोसेस्ड यस, यानी कि आपका ऑर्डर पास हो चुका है, बहुत ही जल्द आप लोगों को पैसा मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोगों का सब कुछ सही होने के बाद भी पैसा नहीं आया है। बहुत सारे किसान भाइयों का मेरे पास कमेंट आता है कि पैसा नहीं आया इस बार का। तो एफडीओ प्रोसेस्ड में चेक करने के बाद पता चलता है कि वहां पे नो है, वहां पे यस कैसे होगा। इसके लिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ऑनलाइन कोई भी प्रोसेस नहीं है जिसका यूज करके आप तुरंत ही एक क्लिक में अपना एफडीओ प्रोसेस नो को यस करा सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों, ठीक है। ये जो एफडीओ प्रोसेस नो और यस होता है ना, ये ऑटोमेटिकली होता है। ये मतलब वहां का जो टीम है या फिर बोल सकते हैं एआई के थ्रू वहां पे चेक किया जाता है सब कुछ, जिसका ठीक रहता है उन्हीं का ऑर्डर पास किया जाता है, ठीक है। कहीं कहीं अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, किसी को कुछ प्रॉब्लम फेस हो जाता है, किसी का बैंक में ये प्रॉब्लम है, किसी का नाम में प्रॉब्लम है, किसी का कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से एफडीओ प्रोसेस्ड उनका पास नहीं हो पाता है, रुक जाता है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को स्टेटस में आप लोगों को एक व्यक्ति का चेक करके दिखाने वाला हूं कि कैसे हमको पता चलेगा कि आखिर प्रॉब्लम कहां पे है। इसके लिए आप सभी लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट में आना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मैंने दे दिया है। यहाँ पे आने के बाद नीचे आना है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं नो योर स्टेटस का एक ऑप्शन दिया जा रहा है, इसी पे क्लिक करना है। इसके बाद आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे मांगा जा रहा है दोस्तों, और कैप्चा फिल करने के लिए कहा जा रहा है। अगर किसी के पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और आधार कार्ड में से किसी एक को एंटर करके कैप्चा फिल करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं। वापस आना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना है और कैप्चा फिल करना है, गेट डाटा पे क्लिक करना है, आपका स्टेटस ओपन हो जाएगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पहले दिया जाएगा जिसको मैंने सिक्योरिटी पर्पस के लिए हाइड कर दिया है। इसके नीचे आएंगे तो आप लोगों को एलिजिबिलिटी स्टेटस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहला जो चेक करना है दोस्तों कि आपका लैंड सीडिंग यस है या फिर नहीं है। अगर नहीं है, यहाँ पे नो आ रहा है, तो सबसे पहला तो प्रॉब्लम यही चेक हो जाता है। उसके बाद चेक करना है ई केवाईसी यस है या फिर नहीं है। तीसरा चेक करना है आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस यस है या फिर नो है, ठीक है ना। जिन लोगों का यहाँ पे 3 green tick लगा हुआ होगा दोस्तों उनको ज्यादा टेंशन नहीं होने वाला है, क्योंकि उनका सब कुछ सही है, बस कहीं पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। वो चेक करने का तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं लैंड सीडिंग भी इस केस में है, मैंने केवाईसी भी करा रखा है, मेरा बैंक अकाउंट भी एनपीसीआई से लिंक है, तो आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। और एक बात मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ दोस्तों, मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इनका जो 8वां किस्त है ना वो आया था फरवरी के महीने में। देख सकते हैं ये इनका है 8वां किस्त, ठीक है ना। 8वां किस्त यानी कि दोस्तों 13वां किस्त, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो 13वां किस्त है वो इनका 8वां किस्त था। तो वो इनको देख सकते हैं क्रेडिटेड ऑन लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को 25/2/23 को, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया में आया है पैसा, 8वां इंस्टॉलमेंट पेमेंट डन हो चुका है, एफडीओ प्रोसेस्ड यस लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जैसे जुलाई वाला जो 14वां किस्त आप लोगों को मिला था वो इनको नहीं मिला है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, 9 सेलेक्ट जैसे मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को देखने को मिलेगा एफडीओ प्रोसेस नो, यहाँ पे इनको पैसा मिला ही नहीं है। जो जुलाई के महीने में 27 जुलाई को प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का जो किस्त आया था ना जुलाई 2023 को, वो पैसा इनको मिला ही नहीं 14वां किस्त। इनका एफडीओ प्रोसेस नो है, यहाँ पे अगर यस होता तो वो पैसा इनको मिल जाता, और कुछ दिन में जो 15वां किस्त आने वाला है दोस्तों वो भी इनको मिल जाता, लेकिन अभी इनको पैसा नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि एफडीओ प्रोसेस नो है। मैं यहाँ पे 10वां किस्त पे भी क्लिक करता हूँ तो वहां पे भी एफडीओ प्रोसेस नो ही आएगा। तो फिर प्रॉब्लम है कहाँ, इनको क्या करना होगा, ठीक है। अगर आपका अभी सेम टू सेम यही प्रॉब्लम है दोस्तों तो इस वीडियो को, जो तरीका मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया है, उसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा, धैर्यपूर्वक देखिएगा, और अपने जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम है उसको सही करवाइएगा। अब हमें करना क्या पड़ेगा, क्या करें जो हमें पैसा मिल जाए, ठीक है। सब कुछ सही है, सारा टिक भी सही लगा है, सब कुछ मैंने ओके करा के रखा है, फिर आखिर प्रॉब्लम है क्या। इसके लिए दोस्तों आप लोगों को ऊपर आना है, और यहाँ पे जो आप लोगों का जहाँ पे एलिजिबिलिटी चेक करने का बताया जाता है कि आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं है, वहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं एलिजिबिलिटी स्टेटस में आप लोगों को बताया जाएगा आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस यस है ना, उसी के नीचे देख सकते हैं इफ यू हैव ऑलरेडी सीडेड प्लीज क्लिक हियर टू चेक सीडिंग स्टेटस। तो क्लिक हियर पे आप लोगों को चेक करना है दोस्तों कि मेरा सचमुच में लिंक है या फिर नहीं है। ये जो तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों, इससे बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम सोल्व हुआ है और आपका भी प्रॉब्लम सोल्व होगा।
यहाँ पे दोस्तों क्लिक हेयर पे आप लोगों को क्लिक करना है और आप लोगों को रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा आधार कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे। आधार कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर देके आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपका अपना आधार कार्ड देना होता है और कैप्चा फिल करना पड़ता है, एक ओटीपी आता है, ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है और लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे दोस्तों तो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा आपको, डॉक्यूमेंट अपडेट का, डाउनलोड आधार का, ऑर्डर पीवीसी आधार का। उसके नीचे आएंगे दोस्तों तो बैंक सीडिंग स्टेटस यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपका आधार कार्ड में कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है, वो यहाँ पे आप लोगों को बताया जाएगा। तो इसी पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कांग्रेचुलेशंस योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन, यानी कि आपका आधार और बैंक जो है वो पहले से ही सीडेड है, ठीक है ना, पहले से ही लिंक है। अब आप लोगों को क्या करना होगा दोस्तों, नीचे आना है, देख सकते हैं आप लोगों का बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे लिंक है, ठीक है, और स्टेटस में यहाँ पे एक्टिव लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया जिससे कि आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका आधार और बैंक लिंक है या नहीं है, इनके केस में दोस्तों यहाँ पे एक्टिव लिखा हुआ है, देख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का यहाँ पे इनएक्टिव शो होता है दोस्तों। आधार और बैंक लिंक होने के बावजूद भी यहाँ पे बताया जाएगा कि आपका बैंक तो बैंक ऑफ इंडिया लिंक है इस आधार से, लेकिन स्टेटस में वहाँ पे इनएक्टिव दिखाया जाएगा दोस्तों। बहुत कुछ रीजन हो सकता है जिससे कि आपका बैंक अकाउंट इनएक्टिव चल रहा है। हो सकता है आपने वहाँ पे केवाईसी सबमिट नहीं किया है, हो सकता है आपका आधार कार्ड वहाँ पे नहीं दिया हुआ है, हो सकता है आपका पैन कार्ड नहीं दिया जाता है। तो बहुत बार मैंने चेक किया है दोस्तों तो यहाँ पे इनएक्टिव शो होता है। अगर आपका यहाँ पे एक्टिव शो हो रहा है दोस्तों तो एफडीओ प्रोसेस जो नो लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिकली यस में बदल जाएगा। इनका भी दोस्तों इनएक्टिव शो हो रहा था, तो मैंने जो तरीका उनको बताया कि आप अपना बैंक विजिट करके पता कीजिए कि आपका अकाउंट रनिंग स्टेटस में है या फिर नहीं है, तो उनको पता चलता है कि मेरा बैंक अकाउंट जो है वो फ्रीज हो चुका था, पैसा मतलब जितना था उतना फ्रीज हो गया था, ठीक है ना। और उनको बताएगा कि आपका आधार कार्ड दीजिए, आपका पैन कार्ड दीजिए, तो आपका ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक्टिव शो होने लगा है। जिन लोगों को भी यहाँ पे बैंक सीडिंग स्टेटस में बैंक का नाम दिखता है लेकिन वहां पे इनएक्टिव शो होता है, उनको अपना बैंक जाके पता करना होगा कि क्या प्रॉब्लम है। अगर पता नहीं कर पाते हैं तो आप मेरे ख्याल से एक नया अकाउंट ओपन करा लीजिए। इसको ठीक कराने में कम से कम 15 से 20 दिनों का टाइम लग सकता है, ठीक है ना। आप बैंक विजिट करेंगे, फिर वहां पे अपडेट होगा, फिर ये पोर्टल पे शो करेगा, तो 15 दिन का टाइम लग जाएगा। लेकिन नया बैंक अकाउंट अगर आप ओपन करा लेते हैं तो 1-2 दिनों के अंदर हो जाएगा। और नया अकाउंट ओपन कराते समय उनको बता दीजिएगा कि मुझे एनपीसीआई इसी बैंक में लिंक करना है, तो क्या होगा कि जो नया बैंक आप ओपन कराएंगे उस पे एनपीसीआई लिंक हो जाएगा, तो डीबीटी का जो भी पैसा आएगा, पीएम किसान का पैसा जो भी आएगा, तो उस नए अकाउंट पे आना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो ये तरीका आप अपना लीजिएगा, तभी आपको ये प्रॉब्लम से निजात मिल पाएगा और आपका एफडीओ प्रोसेस जो नो लिखा है ना वो ऑटोमेटिकली टाइम टू टाइम वो यस हो जाएगा, ठीक है ना। जब ये प्रोसेस चालू हो जाएगा और आप लोगों का वेरीफाई किया जाएगा, आपका पात्रता का चेक किया जाएगा ना, तो ये ऑटोमेटिकली ही एफडीओ प्रोसेस जहां नो लिखा होता है वहां पे यस हो जाएगा। लेकिन अगर आपका इनएक्टिव शो हो रहा है, इसी लिए आपका पैसा अभी तक रुका हुआ है, एक बार बैंक विजिट करके पता कर लीजिएगा या फिर नया अकाउंट ओपन करा लीजिएगा दोस्तों। इसी तरीके से आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के रिलेटेड बहुत सारे जानकारी वाले वीडियोज इस चैनल पे मैं देता रहता हूँ, इसीलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हैं दोस्तों, और आप बहुत ज्यादा सफर करने वाले हैं, प्रॉब्लम फेस होगा आपको। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम आता है तो सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, वहां पे भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज के इस वीडियो में इतना है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।